ओम साई राम सर, ओम साई राम, ओम साई राम। इसके बोल गया साईं राम। आज मैं यहाँ साईं बाबा के मंदिर में आकर, शिरडी आकर उनके मंदिर में मत्था टेकने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बाबा का बुलावा आया था, बाबा ने बुलाया था और हम बाबा के भक्त हैं तो खींचे चले आए। मैं लगातार यहाँ आता रहता हूँ और बाबा से यहाँ आकर मत्था टेकने के बाद बहुत शक्ति, बहुत प्रेरणा और एक बहुत ही अद्भुत एहसास होता है और आगे की लड़ाई की बहुत शक्ति इस पावन धाम से मुझे मिलती है। और आज भी मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। सबकी सुख शांति की प्रार्थना करी, सबकी खुशहाली मांगी और एक कठिन दौर से, एक चुनौतीपूर्ण समय से हम लोग गुज़र रहे हैं, पूरा देश गुज़र रहा है, जिसमें एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी लगातार विपक्ष के लोगों पे और ख़ास करके हमारी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले करती आई है। तो आज बाबा से इस दरबार में सत्यमेव जयते की भी प्रार्थना करी कि अवश्य अंत में सत्य की जीत हो और जितनी भी दानवीय शक्तियां हैं, दानव शक्तियां हैं, असुरी शक्तियां हैं, जो अच्छे ईमानदार लोगों को नीचे खींचने में और कुचलने की कोशिशें कर रही हैं, उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो और अंत में सच्चाई की, ईमानदारी की जीत हो। देखिए, सारी SGPCR हो, CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, दिल्ली पुलिस हो, रॉ हो, NIA हो, ये सारी जांच एजेंसियां, सारी एजेंसियां जितनी भी BJP के अंडर आती हैं, उन्होंने सारी आम आदमी पार्टी पर छोड़ी हुई हैं। लेकिन कुछ बात है हमारी हस्ती में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये लगातार कोशिशें करते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए, अरविंद केजरीवाल का नामो निशान मिटा दिया जाए। लेकिन जनता की ताकत है, जनता का प्यार है और जैसा कि मैंने कहा, कुछ बात तो है हमारी हस्ती में जो मिटती नहीं। बड़ी दुख की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी को जब सारी जाँच कर ली, रेड कर ली, सर्च एंड सीजर्स कर लिए, लेकिन फिर भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक रत्ती भर सबूत नहीं मिला, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। ये सब आरोप जो हैं, ये फर्जी आरोप हैं, मनगढ़ंत आरोप हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर आज मनीष सिसोदिया, जिनको भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी ने अरेस्ट किया हुआ है, अगर आज मनीष सिसोदिया BJP ज्वाइन करने के लिए हाँ बोल दें, तो क्या वो जेल से रिहा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्या उनके खिलाफ़ जितनी जाँच चल रही है वो जाँच बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इस देश में आप देखिए हो क्या रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस पार्टी में थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ED CBI ने जांच शुरू कर दी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के BJP ज्वाइन कर ली, उनकी सारी जांच बंद हो गई, रफा दफा कर दिए सारे मामले। मुकुल रॉय जब तृणमूल कांग्रेस में थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ED CBI ने मुकदमे करे, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर BJP ज्वाइन कर ली, उनके सारे मुकदमे बंद कर दिए गए। शुभेंदु अधिकारी, बड़े नेता बंगाल के, उन पर शारदा चिटफंड घोटाले के आरोप लगे, भ्रष्टाचार करने की बात हुई, जांच शुरू हो गई, ED CBI ने जांच करी, उन्होंने भी अपनी पार्टी छोड़कर BJP ज्वाइन कर ली, उनके भी सारे आरोप माफ़ कर दिए गए, सारी जांच एजेंसियों ने जांचें बंद कर दी। तो इस देश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसका इतिहास रहा है। इसीलिए मैं पूछता हूं कि क्या मनीष सिसोदिया अगर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए हाँ भर दें, तो क्या उन्हें जेल में रखा जाएगा या उनके खिलाफ मुकदमे बंद नहीं कर दिए जाएंगे? ये जाँच थोड़ी है, ये पूरा मकसद ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को ख़त्म किया जाए, बर्बाद किया जाए। आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है, कल हो सकता है हम में से किसी को गिरफ्तार कर लें। इनका मकसद बस एक है कि आम आदमी पार्टी का नामो निशान मिटा दो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुछ बात है हमारी हस्ती में जो मिटती नहीं। हरिचंद्र नाम है